सुलेमानी पत्थर अगर आपकी जेब में है तो पुलिस की गोली आप पर असर नहीं करेगी। राम दरबार पत्थर कितने ही चाकू कोई मार दे, आपके शरीर पर एक भी घाव नहीं होगा। जादू के ऐसे ही सामानों के साथ इंदौर पुलिस ने सोने की तलाश करने वाले, जादू के नकली उपकरणों के साथ जादू दिखाने वाले जादूगरों को हिरासत में लिया है। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए जादूगरों से जब्त किया हुआ यह वह जादू का सामान है जिसे दिखाकर जादूगर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आप भी सुनिए खजराना के थाना प्रभारी दिनेश वर्मा से, जिन्होंने इन ठगों को गिरफ्तार किया है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से जादूगर इन जादू के सामानों का इस्तेमाल करते थे। एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि जादू का खेल करने वाले कच्छ गुजरात के प्रमोद नाहटा और उनके साथी कौशिक को गिरफ्तार किया गया है, जो खजराना के रहने वाले वकील मोहम्मद को ठगने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन यह दो कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आम व्यक्ति को सचेत करने का संदेश है कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसमें वो आम जनता को बेवकूफ बनाकर बड़ी से बड़ी रकम, उसकी गाढ़ी कमाई की रकम को लूट ले जाते हैं। और यह सब इतने सुनियोजित तरीके से होता है कि वह व्यक्ति जो पहले से ही किसी समस्या से, किसी पीड़ा से जूझ रहा होता है, वो अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं पाता। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको जो तमाम अभी टीआई खजराना ने बताया, जो अलग अलग डेमो दिया, उसका उद्देश्य था कि आम व्यक्ति अगर इसको देखे तो सावधान रहे। इन ठगों की नज़र में जो आम लोगों को बताते थे, इनके सामने आपको अलादीन का चिराग दिखेगा जिसपे 1818 लिखा हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एक 1818 लिखा हुआ एक ऐसा बोतल है जिसको ये रहस्यमय बताते हैं, और इसी तरह के दो तीन फायर स्टाम्प और कुछ इस तरह की घड़ी इन्होंने दिखाया। और लोगों से 50 से 60 लाख रुपए तक ठग चुके हैं और इससे बड़ी रकम पहले ठग चुके होंगे, क्योंकि हाल की नहीं है, इनका पुराना इतिहास है, अलग अलग जगहों पर इन्होंने ठगा है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने एक सुलेमानी पत्थर का भी जिक्र किया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को ठगा गया, जिसमें इन्होंने दिखाया कि अगर उसको कोई अपराधी हाथ में ले ले तो पुलिस की कितनी भी गोलियां लगेंगी उसको कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह के जो ठग है उनका वीडियो इनके जांच में मिला है। तो इस तरह के जो ठग है इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठगा, चूंकि आम आदमी कई बार ऐसी परेशानियों से, ऐसे उलझनों से, ऐसी समस्याओं से गुजरता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निजी व्यक्तिगत ऐसी उलझने या समस्याएं होती हैं जिसका वो आसान निजात चाहता है, और शायद ये जो ठग हैं व्यक्ति की इसी समस्याओं को, इन्हीं भावनाओं का दोहन करते हैं। इस तरह की चीज़ें जिनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, उसका दिखा करके, उसको सामने ला करके परिस्थितियों का दोहन करते हैं। आपने देखा कि फायर स्टाम्प था, फायर स्टाम्प पूरी तरह से केमिकल है जो उसमें माचिस में जो बारूद लगा हुआ है और जो केमिकल से पहले लगा हुआ है, दोनों के रिएक्शन से वो जलती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि अचानक कैसे जादुई तरीके से जल गया है। जो पानी नील भरा इसमें, जिसको अलादीन का चिराग बोलते हैं, उसमें जाता है और केमिकल रिएक्शन के कारण वो नील उसमें अवशोषित हो जाता है और पानी बिल्कुल उसमें सफ़ेद निकलता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि अचानक रंग कहाँ गायब हो गया। इसी तरह के जितने भी उपकरण हैं सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आम व्यक्ति को कभी रहस्यमय धन के नाम पर, कभी जमीन में छुपे हुए धन के नाम पर, कभी किसी बीमारी को दूर करने के नाम पर, कभी उसकी पारिवारिक समस्याओं के नाम पर, कभी उसकी पारिवारिक उलझनों को दूर करने के नाम पर इन लोगों ने ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। उनके सारे ये जादुई रहस्यमय जो चीज़ें दिख रही हैं अभी पुलिस की जब्ती में कैद हैं, और इन लोगों से पूछताछ करके इस बात की तह तक पुलिस जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन्होंने कितने लोगों को इस तरह से ठगा है और कौन कौन लोगों को अभी ठगने का इरादा था जिनसे ये संपर्क में थे। साथ ही इनके कुछ एक दो उपकरण जिनका इन्होंने अलग अलग कुछ बड़े बड़े नाम दिए हैं, वो चीज़ों को भी पुलिस जब्त करेगी ताकि भविष्य में कोई इसका शिकार ना हो। और मुख्य तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को दिखाने के पीछे उद्देश्य था कि लोग जागरूक हों, समस्या का निदान पूरी तरह से हम वैज्ञानिक ढंग से करें, हम उसको उसका वैज्ञानिक तरीके से, कोई भी शॉर्टकट से हम समस्या के समाधान तक नहीं पहुँच सकते। और मुख्य तरह के इस तरह के ठगों, लुटेरों और इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक अपराधी हैं, इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है, उनसे सावधान रहें।
इस पूरे कार्रवाई में पूरी टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर TI दिनेश वर्मा जो खजराना, CSP खजराना, एडिशनल SP राजेश और SP ईस्ट, इनकी विजय, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी की टीम ने उसमें काफी अच्छा काम किया है और पूरी टीम को पुरस्कृत